अंतर्राष्ट्रीय धावक व लंदन मैराथन विजेता गोवर्धन मीणा शुक्रवार को ट्रेन से दौसा रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उनका समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्हें नारे लगाते हुए जुलूस के रूप में दौसा रेलवे स्टेशन से गांधी तिराहा, लालसोट रोड शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जिला अस्पताल तक लाया गया। मार्ग में जगह जगह मीणा का स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा स्वागत पाकर मैं बहुत खुश हूँ और सभी का आभार प्रकट करता हूँ। मैं जनप्रतिनिधियों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और वीज़ा दिलाने में मदद की। अब मेरा अगला लक्ष्य अमेरिका में होने वाली मैराथन है। उन्होंने नौजवानों से पढ़ाई के साथ खेलों को भी महत्व देने का आह्वान किया। मैं पहले तो अपने जितने भी जनप्रति है उनको और देश को मैं आभारी हूँ और देश का आभारी भी रहूँगा। मैंने जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरा इंडिया से क्वालीफाई किया है उनका परिणाम सभी के सामने है, पूरे देश के सामने है, पूरी प्रजा के सामने है और आने वाले जो समय होगा मैराथन का जो इवेंट होगा, जो मेरे को अमेरिका के लिए बोस्टन के लिए क्वालीफाई किया हूँ, मैं एशिया टॉप किया हूँ मैं लंदन मैराथन के अंदर, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरा 17वां नंबर रहा है। कई कारणों से मैं वहाँ वंचित रहा, पढ़ाई से भी वंचित था और वहाँ की रहन सहन वहाँ का वातावरण मेरे को सुटल नहीं किया। मैंने वहाँ यहाँ इंडिया से जाते ही वहाँ के लिए मैंने प्रवेश किया तो मेरे को वहाँ का जो वातावरण सेट नहीं हुआ, कई चीज़ें मेरे सामने आई, वीज़ा की भी मेरे सामने आई, लेकिन इसी जो यहाँ की जो जनता है, भारत देश की जनता है, उनको मैं अभिनंदन करता हूँ। आगे बढ़ रहे हैं, इस खेल से संबंध है इंडिया फिट के लिए, ज़रूर उनको आगे बढ़ाने के लिए मैं कुछ ऐसे ही प्रक्रिया बनाऊँगा जो देश के माध्यम से, इस मातृभूमि के माध्यम से आने वाली जो पीढ़ी को फिट इंडिया के लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में फिट इंडिया एक स्वस्थ इंडिया रहे।